और भाई लोगों बढ़िया हो तो चलो एक चीज दिखाते हैं, ठीक है। मैं ऐसे चैट जीपीटी खोल के बैठा हुआ हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ चैट जीपीटी से करवाऊँ, ठीक है। तो ऐसा करवाऊंगा जिसका मैंने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं किया, पहली बार ही कर रहा हूँ, ठीक है। हम कह रहे हैं इससे कि प्लीज टेल मी द टी आर ट्रबल शूटिंग एसटी स्टेप्स फॉर CUCM। प्लीज टेल मी प्रोसेसिंग स्टेप्स फॉर CUCM, ठीक है। अब देखते हैं क्या बता रहे हैं। तो मतलब सिस्को कॉल मैनेजर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो तुम कैसे कैसे उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये देखिए बताना शुरू कर दिए हैं चैट जीपी महाराज, और 9 स्टेप में इन्होंने अपना सल्यूशन दिया है, ठीक है। और 9 स्टेप में सल्यूशन है क्या, ये चलो एक एक स्टेप देखते हैं। जैसे ही आपको कोई बोलता है कि सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर या CUCM सिस्टम में समस्या आ गई है, तो आप पहला स्टेप क्या होगा, तो पहला स्टेप होगा ये कि वेरीफाई नेटवर्क कनेक्टिविटी। सबसे पहले नेटवर्क कनेक्टिविटी को वेरीफाई किया जाता है। इंश्योर दैट द नेटवर्क कनेक्शन बिटवीन CUCM एंड अदर डिवाइसेस आर फंक्शन प्रॉपरली। चेक नेटवर्क केबल्स स्विचेस एंड राउटर्स टू रूल आउट एनी नेटवर्क इश्यू, ठीक है दोस्तों। अब हम नेटवर्क केबल पहले चेक करेंगे, फिर स्विच कर चेक करेंगे, फिर उसके बाद राउटर चेक करेंगे, राउटर रूल सही से दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। फिर दूसरा चेक सिस्टम हेल्थ, वेरीफाई द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द CUCM सिस्टम। चेक CPU एंड मेमोरी यूटिलाइजेशन, चेक स्पेस अवेलेबिलिटी एंड सिस्टम लॉग फॉर द एरर एंड वार्निंग, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। रिस्टार्ट सर्विस, रिस्टार्ट द अफेक्टेड सर्विस ऑन द CUCM सर्वर। दिस कैन बी डन थ्रू द CUCM वेब इंटरफेस आर यूजिंग द कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस मैंने कल चैट जीपीटी के थ्रू कैसे रन करते हैं वो एज ए प्रैक्टिस के लिए बताया था। मतलब उसका रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि आप CUCM चैट जीपीटी का यूज करके कर सकते हैं। पे अटेंशन टू एरर मैसेज ड्यूरिंग द रिस्टार्ट प्रोसेस, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, रिव्यू कॉन्फिग्रेशन। डबल चेक द कॉन्फिग्रेशन सेटिंग फॉर CUCM एंड रिलेटेड कंपोनेंट्स। इंश्योर दैट ऑल नेसेसरी सेटिंग्स सच एज आईपी एड्रेस, डिवाइस पूल एंड डायल प्लान आर कॉन्फिगर्ड करेक्टली, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये सब पॉइंट एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करते हुए आना है। टेस्ट कॉल राउटिंग, परफॉर्म टेस्ट कॉल्स टू चेक कॉल राउटिंग फंक्शनलिटी, ठीक है। पहले अपने सिस्टम पे जो फोन लगा हुआ है उसको पहले सही से कॉन्फिगर करके एक टेस्ट कॉल कर लिया जाता है कि क्या हमारे सिस्टम से कॉल सही से जा रही है। कॉल सही जा रही है मतलब सिस्टम जो है वर्क कर रहा है। मॉनिटर द कॉल फ्लो एंड आइडेंटिफाई एनी इश्यू विद द कॉल सेटअप, ऑडियो क्वालिटी और कॉल टर्मिनेशन। दिस कैन हेल्प पिन पॉइंट पोटेंशियल प्रॉब्लम विद द रोटेट राउट पैटर्न्स, ट्रंक एंड गेटवे, ठीक है। अब चलते हैं अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में क्या बता रहे हैं चैट जीपीटी महाराज कि हाँ, एनालाइज लॉग्स, एग्जामिन CUCM सिस्टम लॉग्स फॉर एनी एरर मैसेज और वार्निंग दैट माइट इंडिकेट द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। लॉग्स कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉज इश्यू सच एज फेल्ड रजिस्ट्रेशन, ऑथेंटिकेशन फेल्योर और कॉल फेल्योर। तो सबसे पहले तो लॉग्स पढ़ना आना चाहिए अगर आपको, अगर इश्यू के रूट कॉज में जाना है तो। क्योंकि अगर हम लोग OEM के साथ कनेक्ट भी करते हैं तो वो लोग भी लॉग ही पढ़ते हैं। तो अगर आपको पढ़ने नहीं आता है, ठीक है, तो कम से कम जो जब OEM के साथ काम कर रहे होते हैं तो क्या क्या कर रहा है वो देखते रहो, देखते देखते आ जाएगा। अगर नहीं आएगा, ठीक है, तो यहीं पे अभी मैं इससे पूछूंगा अभी कि भाई लॉग कैसा दिखता है, तो आप लोग देखना। कलेक्ट एंड एनालाइज ट्रेसेज, इनेबल डिटेल्ड ट्रेसेज ऑन CUCM टू कैप्चर रियल टाइम इंफॉर्मेशन कॉल प्रोसेसिंग। एनालाइज द ट्रेस फाइल टू आइडेंटिफाई एनी एबनॉर्मलिटीज और एरर दैट माइट कंट्रीब्यूट इन द प्रॉब्लम। कंसल्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज। उसके बाद क्या करो,
डॉक्यूमेंट पढ़ो जिसको प्रोवाइड कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट एंड ट्रबल शूटिंग गाइड्स एंड ऑनलाइन फोरम वेयर यू कैन फाइंड स्पेसिफिक ट्रबल शूटिंग स्पेस वेरियस यूसीएम इश्यू कॉन्टैक्ट सिस्टम सपोर्ट सिस्को सपोर्ट इफ यू आर अनेबल टू रिजॉल्व द इश्यू देन कॉन्टैक्ट द सिस्टम सपोर्ट। अब देखो होता क्या है कि सिस्टम इतना जब तक आदमी करने जाएगा यहाँ से लेकर एक से लेकर नौ स्टेप तक यहाँ तक तब तक होता क्या है कि जो ऑपरेशन सपोर्ट या जो क्लाइंट होता है वो शोर मचाने लगता है कि उसको इशू तुरंत सॉल्व होना चाहिए। तो इंजीनियर लोग बस एक ही दो स्टेप चेक कर पाते हैं, ये जो है फिजिकल कनेक्टिविटी और ये स्विच कनेक्टिविटी और राउटर कनेक्टिविटी इतना तो चेक कर लेते हैं, लेकिन तब तक इतना वो शोर मचा देते हैं कि मैनेजर को कहना पड़ता है कि अरे भाइयों क्या बोलते हैं सिस्को में कॉल लॉक कर दो क्योंकि कोई डाउन टाइम हो जाएगा तो उसका मतलब हम लोगों को पेनाल्टी लग जाएगा। तो सिस्को के साथ तुरंत जो है आदमी एलेवन वाला इंजीनियर कॉल लॉक करने लगता है, कॉल लॉक करके केस नंबर देता है। वैसे जैसे केस नंबर आ जाता है वैसे तुरंत शांति मिल जाती है, अरे भाई चलो सिस्को के साथ केस लॉक कर दिया है अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग बता सकते हैं कि मेल लिख सकते हैं कि नाउ वी आर वर्किंग विद सिस्को एंड दिस इज द केस नंबर, वही टिकट में भी डाल देंगे और वही जब ये कौन कॉल होगी वो ट्रबल शूटिंग वाली तो उसमें भी बोल देंगे कि हमने केस लॉक कर दिया, दे आर वर्किंग एंड दे आर एनालाइजिंग द बॉक्स। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया, ये हो गया इंटरप्राइज लेवल। अब देखो जैसे वेरीफाई नेटवर्क कनेक्टिविटी, तो मैं अब इसको कहता हूँ कि हाउ टू वेरीफाई द नेटवर्क कनेक्टिविटी। ठीक है अब एक एक स्टेप देखते हुए चलना, कि आता तो है सबको ऐसा नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आ रहा है वो देखे। रिगार्डिंग पॉइंट वन ठीक है, हाउ टू कंट्रोल वेरीफाई नेटवर्क कनेक्टिविटी, प्लीज टेल मी मैंने इससे पूछा कि पॉइंट वन के रिगार्डिंग थोड़ा सा ये बताओ कि कैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी हम लोग चेक करेंगे, तो देखते हैं क्या बताते हैं चैट जीपीटी महाराज। अच्छा देखो देखो कैसे कैसे बता रहा है, वाह गजब यार। तो इसने 5-6 पॉइंट बता दिया, अब देखते हैं 5-6 पॉइंट इसने बताया क्या है। ये जो चीज़ बता रहे हैं इसको अगर आप गूगल में ढूंढने जाएंगे तो आपको बहुत समय लगेगा और आपको कई सारी वेबसाइटें वो करनी पड़ेंगी, तब उसके बाद ये मिलेगा। तो वेरीफाई द नेटवर्क कनेक्टिविटी फॉर सीयूसीएम मैनेजर यू कैन फॉलो द बिलो स्टेप्स। ठीक है अब कौन कौन सा स्टेप है वो, पिंग टेस्ट, यूज द पिंग कमांड टू वेरीफाई कनेक्टिविटी बिटवीन सीयूसीएम सर्वर एंड अदर डिवाइसेस। ठीक है पिंग कमांड तो मारना सबको आता ही है, पिंग माइनस टी करके मारते हैं। वंस ए कमांड प्रॉम्प्ट आर टर्मिनल विंडो ऑन सीयूसीएम सर्वर एंड एग्जीक्यूट द पिंग कमांड फॉलोड बाई आईपी एड्रेस आर होस्ट नेम ऑफ द टारगेट डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही करते हैं पिंग फिर ये आईपी मार देते हैं, या पिंग फिर ये होस्ट नेम मालूम हो तो उसको भी कर सकते हैं। इफ पिंग इज सक्सेसफुल एंड यू रिसीव द रिप्लाई इट इंडिकेट्स दैट द नेटवर्क कनेक्शन इज वर्किंग प्रॉपरली। तो सबसे पहले क्या काम करना होता है हमें, कोई कुछ भी इशू आए तो पहले हमें पिंग कमांड मार के चेक करना होता है सर्वर से। ठीक है कि देखें सर्वर का कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं, सर्वर अप है कि नहीं। अब पिंग कमांड काम ही नहीं करेगा, दो तीन जगह से मान लो काम नहीं करना शुरू तो हो सकता है कि सर्वर डाउन हो। ठीक है तो उसके हिसाब से वो नेटवर्क टीम से चेक करवाना पड़ेगा और उसकी अलग ट्रबल शूटिंग हो जाएगी। अब ट्रेस रूट, यूज द ट्रेस रूट कमांड टू डिटरमाइन द नेटवर्क पाथ बिटवीन द सीयूसीएम सर्वर एंड डेस्टिनेशन डिवाइसेस। दिस कैन हेल्प आइडेंटिफाई एनी नेटवर्क होप्स और राउटर कॉजिंग कनेक्टिविटी इश्यू। एग्जीक्यूट द ट्रेस रूट कमांड फॉलोड बाई आईपी एड्रेस और होस्ट नेम, ऐसे ट्रेस रूट ये। ठीक है अगर आपको ट्रेस रूट कमांड का आउटपुट देखना है तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। ठीक है ट्रेस रूट कमांड का यहीं पे आउटपुट आपको दिखा भी सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ट्रेस रूट कमांड का आउटपुट और ये क्या बता रहा है। ओके
कहते हैं एक्ट लाइक ए, क्या कहते हैं, पुट्टी, टर्मिनल एंड एंड शो मी द आउटपुट ऑफ ऑफ कमांड विच आई रन। ठीक है, अब देखते हैं। तो मैं ऐसे ही लिखा, हाँ लग रहा है काम कर करेगा ये। ओके, हाँ ठीक है। तो चलो मैं अब कमांड मारने जाता हूँ, देखते हैं। ये वाली कमांड मारते हैं हम लोग, ये वाली ट्रेस रूट ये। ठीक है, ये देखो कैसे करता है, ये पता नहीं कैसे करेगा, ये देखते हैं करता है कि नहीं। देखो ऐसे आता है ट्रेस रूट का कमांड। ओके, अब जैसे हमने कहा कि टू, ये होती है ट्रेस रूट की कमांड, टू सिमुलेट द आउटपुट ऑफ द ट्रेस रूट कमांड फॉर द आईपी। दिस हियर इज एन एग्जांपल ट्रेसिंग रूट, ऐसे ऐसे लिख के आता है वो। हम लोग ट्रेस मारते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट से, तो ऐसे ही आता है। ठीक है, ट्रेस कंप्लीट। प्लीज नोट दैट दिस इज सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल एंड एक्चुअल आउटपुट कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन योर नेटवर्क कॉन्फिगरेशन एंड एंड द डिवाइसेज इन योर नेटवर्क। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो उसका अलग टाइप का यहाँ पे आउटपुट दिखेगा। ठीक है, द आउटपुट टिपिकली शोज द सिक्वेंसेज ऑफ राउटर और नेटवर्क डिवाइसेज थ्रू विच पैकेट ट्रेवल फ्रॉम द सोर्स सीओसीएम टू डेस्टिनेशन। दिस ईच लाइन रिप्रेजेंट ए होप एंड डिस्प्ले आईपी एड्रेस और होस्ट नेम ऑफ द डिवाइसेज इनकाउंटर्ड एट द होप। द रिस्पॉन्स टाइम फॉर ईच होप इज ऑल्सो यूजली डिस्प्लेड। इफ यू हैव स्पेसिफिक आईपी और होस्ट नेम यू वुड लाइक टू ट्रेस प्लीज लेट मी नो एंड आई विल। ओके, नहीं हमारे पास तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने बस एग्जाम्पल के लिए ऐसा दिखाया था। ठीक है, तो ट्रेस रूट हो गया। अब वेरीफाई वीलैन कॉन्फिग्रेशन, वीलैन होती है वाइस वीलैन और डेटा वीलैन, तो उस तरीके से आपका वीलैन कॉन्फिगर करते हैं वो फोन फोन आपसे कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, फोन अलग वीलैन में रहता है और दूसरी डिवाइसेस अलग विलेन में रहती हैं। अलग अलग विलेन बना करके हम लोग अलग अलग जैसे उसको सेग्रीगेट करते हैं। जैसे मान लो सेल्स का अलग विलेन है, मार्केटिंग का अलग विलेन है, इस तरीके से। इन सीयूसीएम सर्वर एंड अदर डिवाइसेस आर ऑन डिफरेंट विलेन्स, इंश्योर दैट द विलेन कॉन्फिगरेशन इज करेक्ट। चेक द विलेन सेटिंग ऑन द नेटवर्क स्विचेज आर राउटर टू इंश्योर दैट द अप्रोप्रिएट विलेन आर असाइंड टू रिस्पेक्टिव पोर्ट्स। अब हम पूछते हैं कि हाउ टू चेक विलेन, हाउ टू, अगर कुछ नहीं आता इसी से पूछा करो, हाउ टू चेक वीलैन कनेक्टिविटी। ठीक है, ये लो। ये देखो अब चार पांच स्टेप में आ गया वीलैन कैसे चेक करें। ओके चलो वीलेन अब देख लेते हैं। तो इस तरीके से इश्यू तो एक आया, लेकिन उसकी वजह से कितनी चीज़ें इफेक्टेड हो गई। वेरीफाई वीलेन कॉन्फिगरेशन, इंश्योर दैट वीलेन आर करेक्टली कॉन्फिगर्ड अंदर नेटवर्क स्विचेज और राउटर। ठीक है, चेक द वीलेन असाइनमेंट फॉर द पोर्ट्स कनेक्टिंग टू द डिवाइसेज यू वांट टू टेस्ट। मतलब जो आपने वीलेन कॉन्फिगर किया है, क्या वो डिवाइस, मतलब चेक द विलेन असाइनमेंट फॉर द पोर्ट, उस पोर्ट को सही विलेन असाइन है या नहीं ये पहले चेक करने को बोलता है। तो हमें नेटवर्क टीम से बोलना पड़ेगा, या तो अगर आपको खुद पता रहता है तो आप चेक कर सकते हैं कमांड मार के। मेक श्योर दैट द डिवाइस आर असाइन टू द अप्रोप्रिएट विलेन। ठीक है, पिंग टेस्ट, यूज द पिंग कमांड टू टेस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन द डिवाइस ऑफ डिफरेंट विलेन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट विलेन में डिवाइसेज हैं, वहाँ से हम लोग पिंग कमांड मार के चेक करेंगे उनकी कनेक्टिविटी। ओपन ए कमांड प्रॉम्प्ट और टर्मिनल विंडो आर ओपन आर वन डिवाइसेज एंड एग्जीक्यूट द पिंग कमांड। पिंग कमांड हमें चेक करना रहेगा। वीलैन ट्रंकिंग, इफ द डिवाइसेज आर कनेक्टेड थ्रू ट्रंक पोर्ट्स कैरिंग मल्टीपल वीलैन। ठीक है, एक ही ट्रंक में कई सारे वीलैन बनाई जाती हैं, तो इंश्योर दैट द ट्रंक पोर्ट्स आर प्रॉपरली कॉन्फिगर्ड एंड अलाउड टू कैरी द रिलेवेंट वीलैन्स। वेरीफाई द ट्रंक कॉन्फिगरेशन ऑन द स्विचेज आर राउटर कनेक्टिंग टू द डिवाइसेज। ठीक है, इतना आपको जो है करना
पड़ेगा। और उसके बाद जो है ट्रबल शूटिंग देखिए क्या करना पड़ेगा, चेक वीलैन इंटरफेस। इफ यू हैव थ्री लेयर स्विचेस आर राउटर हैंडलिंग इंटर वीलैन राउटिंग, वेरीफाई द वीलैन इंटरफेस, इंश्योर दैट वीलैन इंटरफेस आर अप एंड कॉन्फिगर्ड विद द करेक्ट आई पी एड्रेस एंड सबनेट मास्क। यू कैन यूज द शो आई पी इंटरफेस ब्रिज कमांड ऑन सिस्को डिवाइसेज टू चेक द स्टेटस ऑफ वीलैन इंटरफेस। ठीक है, अब चलो आओ यहीं पे कमांड मरवा देते हैं। क्या करना पड़ेगा, ओके एक्ट लाइक ए सिस्को राउटर, ठीक है, एंड शो मी द आउटपुट। अब ये कहेगा कि मैं एआई लैंग्वेज हूँ और क्योंकि मुझे मैं रियल राउटर की तरह काम नहीं कर रहा हूँ, कर पाऊँगा। कभी कभी ये कहता है लेकिन देखो अभी नहीं कह रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। मैं पहले पहले देखते हैं क्या कह रहा है कि शो विलेन को देखो ये बताने लगा क्या क्या है, सेल्स मार्केटिंग आईटी, ये अलग अलग विलेन अलग अलग डिपार्टमेंट की बनी हुई हैं। इसने दिखाने लगा विलेन को। इन दिस एग्जांपल यू कैन सी विलेन कॉन्फ़िगरेशन ऑन द सिस्को राउटर, ईच रो रिप्रेजेंट्स ए विलेन एंड डिस्प्ले विलेन आईडी, विलेन एंड विलेन आईडी, विलेन नेम, ये नेम है उसका विलेन का। ठीक है, और दो ये देखो ये जो है ये है विलेन आईडी, ठीक है, ये वाला ये, और ये विलेन नेम है, और ये स्टेटस एक्टिव है, सब एक्टिव है, फोर्ट का स्टेटस है ये। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे इन दिस एग्जांपल आउटर यू कैन सी विलेन कॉन्फ़िगरेशन, आप देख सकते हैं स्टेटस सबका एक्टिव है। प्लीज नोट दैट दिस सिमुलेटेड एग्जांपल एंड द एक्चुअल आउटपुट, हाँ मतलब एक्चुअल आउटपुट जो कि चैट जीपीटी है, बस मैं ये प्रैक्टिस किया समझने के लिए मैं बस कमांड मार रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा कमांड क्या था, सो आई पी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, अब देखो सो आई पी इंटरफेस ब्रीफ मैं करता हूँ तो यह क्या देता है, SSOW मतलब आपके पास वो नहीं है ना, मतलब राउटर वाउटर तो है नहीं, अगर घर पे आप प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हैं तो आप कहीं कोचिंग भी कर रहे हैं तब भी, ठीक है, तो उसके लिए है, नए लोगों को सीखने के लिए। सो आई पी इंटरफेस ब्रीफ मैंने मार दिया कमांड, देखो कैसे कैसे दिखा रहा है, ऐसे ही सेम आउटपुट राउटर में भी आता है। अब इसके बारे में तुम्हें जानना है, जो भी जानना रहेगा ठीक है उसको हर एक चीज़ को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे जैसे कुछ जानना है तो यहाँ लिख दिया कि टेल मी, ऐसे अपने कीबोर्ड से टाइप कर दिया, इंटर मार दो। इन दिस एग्जाम्पल आउटपुट यू कैन सी आई पी एड्रेस कॉन्फिग्रेशन एंड स्टेटस ऑफ इंटरफेस ऑन द सिस्को राउटर द इंटरफेस कॉलम। ये देखो ये जो कॉलम है, डिस्प्ले द इंटरफेस नेम, एग्जाम्पल गिवन फास्ट इथरनेट 0/0 सीरियल 0/0। ठीक है ये वो दे रहा है। आईपी एड्रेस कॉलम शोज द करेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस असाइन टू द इंटरफेस, मतलब ये आईपी एड्रेस इस इंटरफेस को असाइन है, ये आईपी एड्रेस इस इंटरफेस को असाइन है, हर एक इंटरफेस को आईपी एड्रेस असाइन रहती है, और इनका ये दिखाता है इसका स्टेटस। इतना तो हो जाएगा, इतना हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो वॉइस डिपार्टमेंट और नेटवर्क डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, लेकिन वॉइस डिपार्टमेंट वाला जो ट्रबल शूटिंग स्टेप को उसको जानना चाहिए कि ये स्टेप्स हैं ट्रबल शूटिंग करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया सो आई पी इंटरफेस तक, सो आई पी इंटरफेस ब्रीफ तक हो गया। वीलैन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, मतलब ACL क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। चेक इफ द वीलैन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आर कॉन्फिगर्ड दैट मे बी ब्लॉकिंग ट्रैफिक बिटवीन वीलैंस। ठीक है, अगर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बना होगा एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए, तो हो सकता है वो वीलैन के बीच में ट्रैफिक को ब्लॉक कर रहा हो। रिव्यू द ACL कॉन्फ़िगरेशन टू इंश्योर दैट इट अलाउज द नेसेसरी कम्युनिकेशन बिटवीन वीलैंस। नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल का यूज कैसे करते हैं, यूटिलाइज नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल सच एज SNMP बेस्ड मॉनिटरिंग, मतलब सिंपल नेटवर्क मेलिंग प्रोटोकॉल करके कुछ होता है इसका, मैसेजिंग प्रोटोकॉल।
मॉनिटरिंग सिस्टम और नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू मॉनिटर वीलन कनेक्टिविटी दैट टूल्स कैन प्रोवाइड रियल टाइम विजिबिलिटी टू वीलन स्टेटस ट्रैफिक एंड पोटेंशियल इश्यूज। ठीक है, इस तरीके से ऑफिस में तो बड़े बड़े वो मॉनिटरिंग के लिए डिवाइसेस लगे ही होते हैं, तो वहाँ से तो पता लग जाता है कुछ चीज डाउन होती है तो। लेकिन अगर खुद आप ऑफिस में नहीं है, कहीं रिमोटली किसी किसी डेटा सेंटर पर गए हो, अगर वहाँ आपको कुछ चेक करना है तो ये तरीके होते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, अभी तो हम इसी पे थे ही, ये कहाँ थे? ठीक है, CUCM सर्वर। हाँ, चेक द हेल्थ स्टेटस ऑफ द नेटवर्क केबल स्विचेज राउटर। अभी पहले ही पॉइंट पे थे, ठीक है, यहाँ इतना तक हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इसको यहीं पे।